हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिकेट लाइन गुरु एंड इट्स मी प्रियंका। दोस्तों, क्रिकेट फैंस को जिसका इंतजार था आखिर वो दिन आ ही गया। हम बात कर रहे हैं एशिया कप के लिए टीम इंडिया की अनाउंसमेंट की, और अब 8 अगस्त को BCCI ने एशिया कप T20 टूर्नामेंट के लिए टीम की घोषणा कर दी है। बता दें कि भारतीय टीम में विराट कोहली, KL राहुल की वापसी हुई है और रोहित शर्मा ही टीम की कमान संभालते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं KL राहुल टीम के वाइस कैप्टन होंगे। इनके अलावा दीपक हुड्डा, अर्शदीप सिंह और आवेश खान टीम में अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह को इस टीम में रूल्ड आउट होना पड़ा है, जिसकी वजह है उनकी इंजरी। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, BCCI ने कहा कि जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल चोट की वजह से सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। बता दें दोस्तों कि इंडिया ने 15 खिलाड़ियों के साथ 3 खिलाड़ियों को स्टैंड बाय पर रहने के लिए कहा है, जिनमें श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर और अक्षर पटेल शामिल हैं। ऐसे में अगर एशिया कप के लिए भारतीय टीम पर नजर डाली जाए तो उसमें शामिल हैं रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और आवेश खान। और स्टैंड बाय में जो खिलाड़ी हैं वो हैं श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर और अक्षर पटेल। दोस्तों, बता दें कि भारतीय टीम अब तक इस टूर्नामेंट के 13 सीजन में हिस्सा ले चुकी है और सबसे ज्यादा 7 बार चैंपियन रही है। इसके अलावा टीम 3 बार फाइनल तक भी पहुंची है, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं दूसरे नंबर पर श्रीलंका है। एशिया कप में श्रीलंकाई टीम 5 बार चैंपियन बनी है और 6 बार रनर अप रही है। तो वहीं पाकिस्तान की टीम की बात करें तो पाकिस्तान ने 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। दोस्तों, टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से मिली करारी हार का बदला लेने का मौका मिल गया है। भारतीय टीम 28 अगस्त को एशिया कप में पाकिस्तान का सामना करेगी और इस बार एशिया कप की मेजबानी जो है वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। बता दें कि पहले इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते इस टूर्नामेंट को UAE में कराए जाने की चर्चाएं थी। याद दिला दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में हुई थी। बाबर आजम की कैप्टनसी वाली पाकिस्तान टीम ने भारत को 10 विकेट से करारी मात दी थी। तो इस लिहाज से एशिया कप वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार एशिया कप के मुकाबले T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। पहले ये वनडे फॉर्मेट में खेला जाता था। पहली बार साल 2016 में T20 फॉर्मेट में इसका आयोजन कराया गया था। तब टीम इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दी थी। ऐसे में टीम इंडिया का एशिया कप में रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा रहा है। दोस्तों, एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है, खिलाड़ियों के नाम भी बता दिए हैं। लेकिन आपके हिसाब से भारतीय टीम में और किस खिलाड़ी को शामिल किया जाना चाहिए था और किसे जगह नहीं मिलनी चाहिए थी, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्योंकि ज्यादातर लोग चाहते थे कि एशिया कप के लिए संजू सैमसन को चुना जाए, लेकिन यहां पर उनका नाम नहीं है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी इस लिस्ट में होना चाहिए था, उसका नाम कमेंट सेक्शन में हमें नीचे जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट टाइम गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram फॉर क्विक अपडेट्स।